वेलकम बैक अगेन गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। होप करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे। मैं सुमित लेके आ गया हूँ आपके लिए फिर से एक नए मॉड पर वीडियो। तो गाइस आज किस मॉड पे हम करने वाले हैं, होंडा सिविक के 2008 वाले मॉडल के मॉड का रिव्यू, जो कि इंडिया में 2008 में लॉन्च हुआ था। तो आपने देखा होगा गाइस, इसके फ्रंट में दिखने में एकदम रियलिस्टिक लगती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल आप देख सकते हो, अलॉय व्हील मिल जाएंगे, आगे पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे और रेड कलर के कैलिपर मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे एंड काफ़ी बढ़िया लगता है। एंड साइड व्यू भी काफ़ी अच्छा है। एंड अगर रियर की बात करें तो रियर से आप देख सकते हो होंडा का लोगो, सिविक का बैजिंग एंड पीछे स्पॉइलर मिल जाएगा और दिखने में वो भी एकदम रियलिस्टिक लगता है। तो गाइस आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ कार के अंदर और मॉड के साथ आपको फीचर मिल जाता है हर बार की तरह सेम, फ्रंट से डोर, सेकंड से बोनट एंड थर्ड से बूट। तो गाइस आप इसका इंजन देख सकते हो, मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो आईवी टेक का इसमें आपको इंजन मिल जाएगा, जो कि रियल उसमें आता है एंड इंजन दिखने में एकदम रियलिस्टिक लगता है। तो जब आप इसे डाउनलोड करके खेलोगे तो तब आपको दिख जाएगा वो। तो गाइस आप देख सकते हो इसका इंटीरियर भी दिखने में एकदम रियलिस्टिक एंड रियल है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर से। बूट की बात करें तो बूट में भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है। एंड यहाँ से मैं आपको इसकी सीट दिखा देता हूँ। तो गाइस फ्रंट में आपको मिल जाएंगी स्पोर्ट सीट एंड रियर में नॉर्मल सीट रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। तो गाइस मैं आ चुका हूँ कार के अंदर और सबको कर दिया है मैंने क्लोज। सो गाइस अगर इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो आप देख सकते हो प्रॉपरली तरीके से वर्क करती है, बट ये कार जूम नहीं हो पाएगी क्योंकि कार छोटी होती है, तो इसलिए आपको नहीं दिखेगी। बट अगर लाइट की बात करें तो काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी बढ़िया है। इंटीरियर अभी पूरा डार्क हो रखा है क्योंकि बारिश के कारण बादल लगे हुए, बट अगर इंटीरियर की बात करें तो गाइस वो भी एकदम दिखने में रियलिस्टिक लगता है। एंड जब मौसम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको वो अच्छे से क्लियरली दिखेगा। तो गाइज अगर स्पीडोमीटर की बात करें तो वो भी प्रॉपरली तरीके से वर्क करता है एंड लाइट ऑन होने के बाद वो काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वाइपर भी देख सकते हो आप गाइज, वाइपर भी रियल सिविक की तरह वर्क करते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो गाइज अब हम लेके आ चुके हैं इसे पेट्रोल पम्प में ग्लिच ठीक करने के, तो ग्लिच ठीक हो चुका है, आप देख सकते हो पूरा बॉडी आ चुकी है। तो पेट्रोल पम्प में आने के बाद आप भी अपना ग्लिच ऐसे ठीक कर सकते हो। तो गाइज अब हम इसको लेके चल रहे हैं ड्राइव पे एंड पूरा टेस्ट करेंगे इसकी ब्रेकिंग वगैरह, कंट्रोलिंग वगैरह कैसी है, हर चीज़ स्टेबिलिटी, इसकी टॉप स्पीड क्या है। तो वीडियो में बने रहना, जो भी इस मॉड को डाउनलोड करना चाहता है तो मॉड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज अब आप इसके अंदर का इंटीरियर व्यू देख सकते हो कि कैसा रियलिस्टिक लगता है। सामने आपको नेविगेशन सिस्टम मिल जाएगा, एकदम रियल ब्लैक कलर का आपको उसके अंदर इंटीरियर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी बढ़िया लगता है। तो गाइज आप मॉड को डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से लिंक, जिसका डिस्क्रिप्शन में, मॉड बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पासवर्ड की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड गाइज कई बार यार बहुत सारे भाई मेरे को बोलते हैं कि भाई पासवर्ड नहीं दो एंड इसका डिलीवरी का लिंक। तो गाइज सब हर चीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट कर लिया करो और पूरी वीडियो भी देख लिया करो, ताकि आपको हर चीज़ मैं वीडियो पर बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ है, तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करो। सो गाइज मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता था कि आज से आने वाली है BGMI की वीडियो। तो जैसे ही आपने मुझे बस ID में सपोर्ट करा तो प्लीज़ मेरे को वहाँ पर भी सपोर्ट करना, वहाँ के भी गेम प्ले अब रोज़ आएंगे। सो गाइस बस ID के मॉड भी रोज़ आएंगे, तो जैसे ही आपने मुझे वहाँ पर सपोर्ट करा बस ID में, तो मेरे को BGMI में भी ज़रूर सपोर्ट करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। एंड गाइस चलो मॉड की तरफ आते हैं। तो मॉड की बात करें ओवरऑल तो मॉड काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी बढ़िया है एंड इसकी ब्रेकिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी, कंट्रोलिंग भी काफ़ी अच्छी है एंड स्टेबिलिटी भी काफ़ी सही है। अब हम आ चुके हैं एक नए ऑफ रोडिंग ट्रैक में, मेरे को भी नहीं पता था मैं भी इस ऑफ रोडिंग ट्रैक में पहली बार आ रहा हूँ, तो आप इसकी ऑफ रोडिंग देखना। एंड अगर आप भी चाहते हो ये ऑफ रोडिंग ट्रैक, अगर आपको नहीं पता कि ये कहाँ पे, तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा डिटेल वीडियो कि इस पर कहाँ से कहाँ पर जाना है एंड कहाँ पर आपको ये मॉड मिले, मतलब ये वाला मैप मिलेगा। तो गाइज ओवरऑल मॉड काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी बढ़िया है एंड चलाने में भी काफ़ी अच्छा है, इसका इंजन साउंड भी काफ़ी अच्छा है एंड कंट्रोलिंग काफ़ी अच्छी है, ब्रेकिंग भी काफ़ी सही है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो उसी में आपको और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो अपने अकॉर्डिंग जौन सा लगाना चाहो लगा लेना। तो गाइज होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करना है एंड एक लाइक कर देना वीडियो को। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अगले मॉड एंड